तो इस जगह पे है शिव मंदिर, हम लोग वहाँ से जाएंगे। चलो चलो चलो, गोर लगो भगवान जी को जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी गोर लगो। एक बार मुश्किल दे दो, एक बार मुश्किल दे दो बाबू, एक बार मुश्किल दे दो। बाबू का मालिश हो गया है। अच्छा बस 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 बस, रोने लगा रोने लगा। चलो चलो चलो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है फ्राइडे, दसवीं का दिन है, तो हम लोग चल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो सरप्राइज है, वैसे आप लोग को थंबनेल से पता चल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं डलमा। आज यहाँ घूमना था मेरे को, तो हम और विशाल वहाँ है, उसको लेके आ गए हैं डलमा पहाड़। अब दिखाते हैं यहाँ का आप लोग को सिनेमैटिक शॉट्स और घूमते फिरते हैं। हम लोग को पार करके पूरा पहाड़ में जाना है, पूरा रास्ता ऐसे ही मिलेगा, तो चलते हैं। तो अभी हम लोग हाफ रोड तो पार कर चुके हैं, अभी पहाड़ के रास्ते ऊपर चढ़ रहे हैं और बाकी आपको यहाँ का नज़ारा देखते हैं। यहाँ हम लोग पहले भी रुके थे तो बहुत अच्छा नज़ारा था। अभी यहाँ पे हम लोग फुटेज वगैरह लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी विशाल बाइक ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर था, चल नहीं पा रहा था। हम बोले तुम चलाओ, हम वीडियो बनाते हैं। तो ये है यहाँ का मंदिर वगैरह, तो हम लोग वहाँ पे जाके जूता वूता खोलते हैं फिर चलते हैं। तो इस जगह पे है शिव मंदिर, हम लोग वहाँ से जाएंगे। चलो पहले मंदिर घूमते, यहीं से चलते हैं, तुम जाते हैं। ये कुछ खुफिया रास्ता है, आ जाओ। तो ये है शिव जी, तो ये है शिव जी यहाँ पे। तो यहाँ हम प्रणाम वणाम करके निकलते हैं। तो ये शिव मंदिर का एग्जिट पॉइंट था, अभी वहाँ चलते हैं ऊपर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ का आपको सीन दिखाते हैं। जब हम लोग पता भी सर, जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना, इला लॉक था, ठीक है, लास्ट शिवरात्रि का दिन, और हम लोग यहाँ से चढ़े थे, ये वाला जो दिख रहा है ना, वहाँ से घुसे थे, बहुत अजीब था। तो ये है कुछ रास्ता जो बहुत अच्छा सीढ़ी का वो किया हुआ है, सीढ़ी बना हुआ, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे है आपका हनुमान जी, तो मिलते हैं हनुमान जी से। बाकी यहाँ का भी वैसा है कुछ। तो ये है हनुमान जी का मंदिर,
जय बजरंग बली। हाँ वीडियो आ गया, फोटो ले। गाइस ये था दलमा पहाड़ का ब्लॉग, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में और लाइक करके मेरे को बता सकते हो, ठीक है। और ये है कुछ यहाँ का व्यू, दिखाते हैं आपको कि कितना ऊपर है ये पहाड़। पहाड़ के ऊपर है मंदिर, और सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे तब आता है जब सावन में भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए सब आते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम उसी टाइम आया था, दोस्त लोग बोल दिए कि चलना है, तो मैं तो बोला कि चलो भगवान कभी भी बुलाते हैं तो कैसे भी दर्शन करने के लिए बुलाते हैं तो चल जाते हैं। तो अब देखे हम लोग यहाँ पे आ करके, उस दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, मेरा हेडफोन भी खो गया, तो अब कोई बात नहीं, फिर भी भगवान का दर्शन तो कर चुके थे। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और फिर चलते हैं घर। तो यहाँ राम जी मिल चुके हैं, जय श्री राम। चलो अब विशाल निकला जाए, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना भी हो गया। तुम भी ब्लॉगिंग कर रहा क्या है? चलो अब चलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि भूख वगैरह भी लग गया है। लेकिन गलती की वहीं पे चप्पल रखती है और यहाँ पे खाली पैर चल रहे, जिसको हम लोग तभी से खोज देते हो यहाँ पे बैठा हुआ नीचे में। विशाल बहुत बेसब्री से लोगों को खोज रहा था, अभी आए यहाँ पे। कैसे बुलाया जाए विशाल? एक वहाँ भी है देख, नहीं जाना भाई, मारेगा बहुत जोर का पड़ेगा। चलो चलता लो निकलते हैं। हाँ एक बात और बताना था, ये फैशन प्लस में कोई नहीं, कभी मत आइएगा यहाँ पे। अब हम लोग निकल गए हैं घर की ओर, अब घर चलते हैं क्योंकि घर में भी बहुत काम है और मम्मी से तो डांट पड़ने वाला है। चलते हैं पहले घर। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो आज का तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल फिर से इसी ब्लॉग पे, इसी ब्लॉगिंग चैनल पे। आपका अभय शर्मा एंड ब्लॉगिंग चैनल नेम अभय शर्मा ब्लॉग, तो आप लोग सर्च करो मेरे को। आप प्लीज़ ढेर सारा सब्सक्राइब करो, ढेर सारा लाइक करो, ताकि मैं और वीडियो आपके सामने लेके आते रहूँ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा।